शहर को नियम के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और ये चाहते हैं कि जनता तक उनका मैसेज एक अच्छी और साफ छवि वाला ही नज़र आए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की यह हालत है कि वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। एक ऑडियो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की वायरल हुई है जिसमें वो एक ऑटो चालक से ना केवल बदतमीजी से बात करते हैं बल्कि उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके अधीनस्थ एक कांस्टेबल अपनी खुद की वीडियो बनाकर अपना दुख अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। उस ट्रैफिक के सिपाही का कहना है कि जो TI हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह, वो उनसे गलत काम कराने के लिए मजबूर करते हैं। उसी को देखते हुए उसने अपने ऑफिशियल ग्रुप पर उस वीडियो को अपलोड किया। कार्रवाई के नाम पर उस बेचारे सिपाही पर गाज गिर गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए, अब जरा ये आवाज सुनिए। ये आवाज और आईने में चमकती तस्वीर है ग्रेटर नोएडा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह की। ये वो राम रतन सिंह हैं जिनका विवादों से हमेशा नाता रहा है। दरअसल ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह अपनी कार्यशैली में गलत भाषा का प्रयोग करना और लोगों से गलत व्यवहार करने के लिए मशहूर हैं। भरोसा कीजिए और पहले ये ऑडियो सुनिए। DL यहाँ गाड़ी में है, कागज तुम्हारी माँ, बीमा उसकी बहन तेरी बना दे। अपना नाम पता बता देना, नहीं हमारे जैसा मिल जाएगा तो वो दो की जगह चार चार छः छः और गाड़ी भी बंद करेगा। ऐसे नहीं किया था जब आपने गलत नहीं, जब सराफत के अपना नाम पता बता दोगे तो हो सकता है कि अगला हम तुमसे कितना प्रेम से पूछे, है ना? और तब से तू एक ही बात कर रहा है साहब, मेरी बहन को, मेरी बहन, यही बात बता रहा है ना तू तब से? हमारा नहीं होता जल्दी है ये सोचा कर, उसको किसी मदमस्त हाथी समझ गया तुरंत कर लेगी बहन। से मैं यहाँ तो वहाँ तक गया तो तू भागा जा रहा था, फिर लाए, फिर तू गाड़ी का हैंडल कर दिया, लॉक हो गया और उसके बाद मैं नाम पता पूछ रहा था तो तू पैमाइश करवा रहा मुझसे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है जिसमें एक ऑटो चालक से चालान उनका काटते समय वो गलत भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दिए। इसके अलावा उनके अधीनस्थ और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी खुद उनकी आदतों से परेशान होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल करता हुआ नजर आ रहा है। मैं कांस्टेबल 593 संजीव राणा, जब भी मेरी ड्यूटी TI राम रतन के क्षेत्र में लगती है तो TI द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उस कारण से मैं मानसिक तनाव में हूँ। और सर मेरी ड्यूटी इनके क्षेत्र में से बार बार लगाने के कारण ये बार बार मुझसे पूछते हैं और फिर बाद में मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके जाते हैं, इसलिए मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ और मैं सभी अधिकारियों को ये बात सूचित करना चाहता हूँ। जिसमें वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह के बारे में ये कहता हुआ दिखाई दिया कि वो उनसे गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया है। हालांकि उक्त वीडियो में बात करते हुए देख रहे पुलिस कर्मचारी को अधिकारियों द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें वीडियो में इंस्पेक्टर राम रतन सिंह दिखाई दे रहा है और वीडियो में एक व्यक्ति ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि हम आपको महीना देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। इन तमाम मुद्दों पर जब ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ऑन द कैमरा बोलने को तैयार वो नहीं हुए। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि इन सभी मामलों पर जांच चल रही है।
आखिर ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर ऐसे पुलिस कर्मचारी जो पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनको उनकी हरकतों की सजा क्यों नहीं दिलाई जाती? आखिर क्या है वजह कि आला अधिकारी ऐसे पुलिस कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इतना होने के बावजूद भी अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें खुद राम रतन सिंह वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति उनसे ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम तुमको 2.5 से 3 हज़ार रुपये महीना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम पर कार्रवाई कर रहे हो। इसी को देखते हुए यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने इन तीनों मामलों पर संज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा अभी फिलहाल वो बात करने से बच रहे हैं। हम संज्ञान लाना चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की गलत हरकतें करने के बाद पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं इस वक्त ग्रेट नोएडा में खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो यातायात को सुचारू तौर पर चलने के लिए कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और उनको ट्रैफिक का नियमों का पालन करा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अधीनस्थ इन्हीं के अधिकारी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं वो इनकी मेहनत पर पलीताल मारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।